डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो गया। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के सभी मंत्री बीजेपी के नेता मौजूद रहे। राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने रामनिवास रावत को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद रावत को दूसरी बार बतौर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी पड़ी, यानी 15 मिनट में उनको 2 बार शपथ लेनी पड़ी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। 68 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत ने सोमवार को राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। वहीं रावत के विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों में उत्साह देखा गया। इनका कहना है कि कांग्रेस ने रामनिवास के साथ धोखा किया है। उनको वरिष्ठता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष बनाना था, लेकिन उनको नहीं बनाया, जबकि भाजपा ने उनको मंत्री बनाकर सम्मान दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार में एक और विस्तार हो गया है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे जब लोकसभा चुनाव के बाद रामनिवास रावत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। बताया जा रहा है कि उनके मंत्री बनने से क्षेत्र की जनता में उत्साह भी देखा जा रहा है। हालांकि क्षेत्र की जनता का कहना है कि कांग्रेस ने उनके साथ कुटरघात किया था। वरिष्ठतम के आधार पर उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। जबकि जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में पूरा सम्मान उनको दिया गया है। हालांकि वही बात करें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की, तो उनका कहना है कि रामनिवास रावत वरिष्ठ नेता हैं, उनका अनुभव सरकार को भी मिलेगा और संगठन को भी मिलेगा। कांग्रेस की आरोपों का हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, रामनिवास रावत जो मध्य प्रदेश के कब्जावर नेता कहलाते हैं उनको मंत्री बना दिया गया है। अब कितना सरकार में और बदलाव होता है ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ आबिद मुमताज, एसीएन भारत, भोपाल।